मणिपुर हिंसा को लेकर आज विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 नेताओं ने वहां के राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्य के ताजा हालात पर बातचीत की है। नेताओं ने एक दिन पहले रिलीफ कैंप्स में जाकर हालात देखे, आज उसका जिक्र भी राज्यपाल के साथ किया। संसद में जो शोर मणिपुर पर अब तक दिखा है और जिन नेताओं ने लगातार पीएम के बयान की मांग की है, उन्हीं दलों और नेताओं ने मणिपुर में पीड़ितों के साथ दुख दर्द बांटा। फिर आज विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। एजेंडा बहुत साफ था। 80 दिनों से ज्यादा वक्त से जारी हिंसा के दौर को लेकर विपक्ष ने अपनी चिंता जाहिर की। नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि मणिपुर के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। 21 सांसदों ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि 140 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, हिंसा में 5000 घर जलाए जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में जा चुके हैं। विपक्ष के मुताबिक राज्य सरकार हालात काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। राहत शिविरों में स्थिति बेहद खराब है। करीब 3 महीने से इंटरनेट पर पाबंदी से लोगों में असंतोष बढ़ा है। 2 दिन के दौरे पर आए विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता दिल्ली जाने के पहले यहां इम्फाल में गवर्नर से मिले और गवर्नर से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपना जो अनुभव राहत कैंपों में जाकर के महसूस किया पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद उसे उस बारे में गवर्नर को भी जानकारी दी। विपक्ष का इरादा साफ है, गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकना चाहता है, लिहाजा विपक्षी दल लगातार दबाव बना रहा है। ये 2 दिन की दौरे में जो जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सभी 21 विपक्षी नेता मौजूद रहे। उन्होंने ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि राज्यपाल ने भी अपनी पीड़ा और दुख हमसे बयां किया है। देखिए, समाधान तो सबको बैठ के निकालना होगा। हालात बहुत खराब है। आपके देश का एक हिस्सा जहां समुदायों के बीच में अविश्वास का जहर बो दिया गया है, उस जहर की काट में तो मेहनत करनी होगी। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि बहुत संजीदगी से दोनों तीनों पक्षों ने अपनी बात रखी। संसद में विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है, सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। विपक्षी दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में मणिपुर पर बयान दे। ऐसे में अब इम्फाल में राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन देने के बाद दिल्ली में सियासी शोर और तेज होने की उम्मीद है। पूरी ये जो गाड़ियों की श्रृंखला है विपक्षी नेताओं की है, राज्यपाल से मुलाकात के बाद दिल्ली, और दिल्ली जाहिर है कि जब सोमवार को संसद का सत्र होगा तो विपक्ष न सिर्फ हमलावर होगा, सवाल खड़े करेगा, बल्कि ये पूछेगा कि जब अगर विपक्ष के इतने सारे नेता यहाँ पर जा सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, तो सरकार की ओर से आखिर क्या कोशिशें हो रही हैं। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश हो रही है और इसीलिए इंडिया ब्लॉक के जो 20 सांसद थे वो सीधे 2 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे, इम्फाल से चुराचांदपुर, चुराचांदपुर से मोइरांग और उसके बाद यहाँ इम्फाल में राज्यपाल से मुलाकात। इम्फाल से संजय के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। और देखिए, इस मामले को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों के बाद सियासत काफी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों ने भी पलटवार किया है। हमने उनसे, हमारे लोगों ने उनसे बातचीत की, उनका दर्द समझ लिया है। क्या इस देश की जनता का दर्द को समझ लेना और दर्द बांटना, ये शो ऑफ अगर कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो मुझे लगता है इतनी क्रूर और निर्घृण सरकार और राजनीति हमने देखी। इम्फाल में कल भी बड़े बड़े मोर्चे निकले सरकार के, पूरे देश में जहां जहां आदिवासी समाज है वहां बड़े बड़े मोर्चे निकल रहे सरकार के खिलाफ। कल महाराष्ट्र में 3 जगह पर आदिवासी समाज ने मोर्चे निकाले हैं और मुझे लगता है पूरा आदिवासी समाज पूरे देश में सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है।
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके स्टेटमेंट दिए, संसद चल रही थी और मीडिया के सामने आए और उन्होंने बड़ी पीड़ा और गुस्सा, जो विक्टिम थे उनके लिए पीड़ा और जो लोग इसमें दोषी थे उनके लिए गुस्सा दिखाया, और उसके बाद से मशीनरी का क्या स्थिति हुआ होगा एवरीबडी कैन इमेजिन। लेकिन तब ये विपक्ष नहीं गया। जब संसद चलने लगी, गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि आप कितनी भी लंबी चर्चा चाहते हो, हम चर्चा को तैयार हैं, तब ये चर्चा भी नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री तो वक्तव्य देंगे ही और प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना भी चाहिए और तभी चर्चा शुरू होगी। और यहाँ की पूरी सिचुएशन को, विभिन्न जो राहत शिविर है उसको जाके हम लोगों ने देखा है और यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझा है, उस बात को रखेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर यहाँ शांति स्थापित होना चाहिए, यहाँ के लोगों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए। और एक बात तो जरूर है कि ये स्टेट मिशनरी का टोटल फेलियर है। जाने से कोई माहौल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मणिपुर की घटना तो पिछले 2.5-3 महीने से चल रही है। विपक्ष को अब याद आया मणिपुर जाना, और अगर विपक्ष मणिपुर जाता है तो उसको बंगाल भी तो जाना चाहिए। बंगाल में भी 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई और वहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और मारे जाने वाले कौन लोग थे? तो बीजेपी के लोग थे, सीपीएम के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। अधीर रंजन चौधरी ने लगातार उस पर बयान दिया। फिर बिहार के कटिहार में भी पुलिस फायरिंग में 3 लोग मारे गए, तो वहाँ क्यों नहीं उनकी टीम जा रही है? या राजस्थान में जो घटना घटी, छत्तीसगढ़ में घटना घटी, तो एक तरफा नहीं बल्कि उन सभी जगहों पर उनकी टीम को जाना चाहिए था। और ये देखिए, पॉलिटिकल टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं।